हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवरटेक में स्वागत है। दोस्तों, एक और नई भर्ती के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं खाद्य विभाग में आई सीधी भर्ती की। जी हां दोस्तों, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नई भर्ती का, और ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है बिल्कुल सीधी भर्ती है। यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। किसी भी राज्य में आप रहते हो, चाहे राजस्थान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना सरकारी नौकरी खबर पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। सैलरी आपको मिल रही है 35,400 से लेकर के 112,400 रुपए महीना। जी हां दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो चलिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जहां पर आपको वैकेंसी की पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी कर दिया गया है। आपको सीधा हमारी वेबसाइट पर लेके चलते हैं। वेबसाइट पर आने के लिए आपको बता दें, गूगल में सर्च करना होगा www.tipswaralbus.xyz। यहां पर आप आएंगे तो आपको लगभग 1 से 1.5 लाख पदों पर भर्तियों की जानकारी मिल जाएगी। आप आवेदन भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया SSAI की तरफ से जारी की गई वैकेंसी की। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं सीनियर फिलो इन फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन की वैकेंसी है और जूनियर फिलो इन फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन की वैकेंसी जारी की गई है। इन वैकेंसी के लिए केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, केवल इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन रहेगा। सैलरी आपको, जैसा मैंने आपको थंबनेल में बताया, 34,000 से लेकर 112,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है, ठीक है। और यहां पर आपको बता, एज लिमिट मैक्सिमम 35 साल है। उसके अलावा आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहां पर मास्टर डिग्री मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर दोनों ही पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है, ठीक है। और आवेदन करने का पूरा प्रोसेस यहां पर दिया गया है। 27 जनवरी से लेकर 21 फरवरी 2020 तक आवेदन चल रहे हैं। जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिएगा। यहां पर लिंक भी एक्टिवेट है आवेदन करने का नोटिफिकेशन के साथ में। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।